सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर आई के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज का वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के सवालों को लेकर, और सवाल जो मेरे पास में आ रहे हैं वो रिलायंस जियो के फोन को लेकर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, क्या इसमें व्हाट्सएप वगैरह यूज कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इस फोन का ओएस कुछ इस तरह से है जो कि ये व्हाट्सएप हाइक वगैरह सपोर्ट नहीं करता, तो आप इसमें व्हाट्सएप के मजे नहीं ले पाए। अब अगला सवाल हमारे पास में है कि रिलायंस जियो का जो फोन होगा क्या वो ड्यूल सिम सपोर्ट होगा या नहीं? तो जवाब यह है कि रिलायंस जियो का जो भी फोन आ रहा है वो ड्यूल सिम सपोर्ट नहीं होगा। इसमें आप एक ही सिम चला सकते हैं और ये डिवाइस सिर्फ वोल्टी सपोर्टेड होगी, यानी कि आप अगर ऑपरेटर की सिम इसके अंदर यूज करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। आपको इसके अंदर कुछ ही ऐप मिलेंगी जैसे कि जियो ऐप या यूट्यूब वगैरह इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप बिना व्हाट्सएप यूज के इस फोन को फिर भी चलाना चाहते हो तो आप ये फोन ले सकते हो। तीसरा सवाल है, 153 रुपए का क्या चक्कर है? 153 रुपए बिल्कुल उसी की तरह है जैसे कि आप 309 रुपए का रिचार्ज कराते थे जियो के लिए, जिसमें कि आपको 1 GB डेटा पर डे मिलता था। लेकिन आपको इसमें 153 रुपए में 500 MB डेटा पर डे मिलेगा, जिसमें कि आपको कॉल्स वगैरह बिल्कुल फ्री होंगी। बस आपके लिए डेटा के लिए बाउंडेशन दे दी गई है कि आप 500 MB से ज्यादा यूज नहीं कर सकते पर डे का। और चौथा सवाल है कि क्या ये फोन टीवी से कनेक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, ये फोन टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि माई जियो ऐप के अंदर ऑनलाइन टीवी देखने की भी फैसिलिटी दी गई है, तो आप इसे अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको स्पेशल अलग से रिचार्ज नहीं कराना होगा जो कि आप नॉर्मल टीवी देखने के लिए रिचार्ज कराते हो, जैसे टाटा स्काई वगैरह जो भी है। लेकिन खबर यह है कि इस फोन को कनेक्ट करने के लिए आपको एक डिवाइस दी जाएगी और उसके जरिए आप ये फोन अपने टीवी से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास 1 GB डेटा पर डे की लिमिट वाला प्लान होना चाहिए, और अगर आपका 1 GB डेटा खत्म हो जाता है तो आपका टीवी वहीं के वहीं बंद हो जाएगा, यानी कि आप टीवी नहीं देख पाएंगे। अब अगला सवाल जो है फोन की कीमत को लेकर, फोन कितने का है? जैसा कि अब हम सभी जान चुके हैं कि फोन की कीमत कुछ भी नहीं है, फोन फ्री में है, लेकिन आपको इस फोन को लेने के लिए 1500 रुपए डिपॉजिट करने होंगे जो कि एज ए सिक्योरिटी चार्ज होगा। वो आपको 3 साल के लिए जमा करने होंगे, और अगर आप 3 साल बाद फोन को वापस करते हो तो आपको 1500 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसने देखे 3 साल के अंदर आपका फोन सही सलामत रहेगा? हो सकता है चोरी हो जाए, या हो सकता है डैमेज हो जाए, और हो सकता है कंपनी की कोई पॉलिसी हो, जैसे कि फोन में अगर कोई फिजिकल डैमेज पाया गया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर सामने ये आता है कि फोन की कीमत लगभग 1500 रुपए ही है, और बाकी आपकी मर्जी। अगर आप कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो फोन को खरीद सकते हैं, जो कि 24 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा माई जियो ऐप या जियो वेबसाइट पर, और साथ ही जियो के डिजिटल स्टोर पर, और जिसकी डिलीवरी होने लगेगी 1 सितंबर से। तो दोस्तों, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आप ये फोन अभी लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो मुझे प्लीज कॉमेंट में लिखें। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिस्टर आईकेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे रिलेटेड किसी तरह का पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं, मिस्टर आईकेट यूट्यूब चैनल के किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।